नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे आपके संविधानिक अधिकार जो हैं और जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। इन सभी पक्षों को देखेंगे हम लोग आज। इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आपकी जो आंखों पर कुछ अंधभक्ति छाई हुई है वो भी हटेगी और आपको आपके अधिकारों से भी परिचित होंगे और कर्तव्यों से भी, ठीक है। किसी भी लोकतंत्र देश की, लोकतांत्रिक देश की संवैधानिक व्यवस्था में नागरिकों और व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की गई। स्वतंत्रता से पूर्व औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय लोगों के साथ किया गया अमानवीय व्यवहार, भारत में जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत व्याप्त भेदभाव, स्वतंत्रता के दौरान होने वाले धार्मिक दंगों ने मानवीय गरिमा को छिन्न भिन्न कर दिया था। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगा था। ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं के समक्ष देश के एकता, अखंडता, मानवीय गरिमा को स्थापित करने तथा लोगों में परस्पर विश्वास बहाल करने की चुनौती थी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए संविधान निर्माताओं ने सार्वभौमिक अधिकारों की व्यवस्था की। संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक उपलब्ध अधिकारों को मूल अधिकारों की संज्ञा दी गई। आपके जो भी अधिकार हैं, मूल अधिकार, ये भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक उपलब्ध हैं। प्रारंभ में संविधान के अंतर्गत नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी। याद रखिए, आपके मूल संविधान में कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी, परंतु समय के साथ समाज में असामाजिक व देश विरोधी तथ्यों की गतिविधि में वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप ऐसी गतिविधियों के प्रति नागरिकों को जागरूक करने तथा उनमें कर्तव्य बोध की भावना का प्रसार करने के लिए वर्ष 1976 में संविधान के भाग चार का में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मूल कर्तव्यों पर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। इस विषय को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आपको याद रखना है, आपके जो भी आपके अधिकार हैं वो संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक उपलब्ध हैं। अधिकार का समझ रहे, जो भी आपका अधिकार है, ठीक, आपके जीने का, और जो आपके कर्तव्य हैं, ये 1976 में संविधान के भाग चार का 4A यानी कि भाग चार का में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। याद रखिए, इसका सीधा सा साधारण शब्दों में हम लोग कहें तो इसका मतलब है कि अगर कोई हमारे ऊपर 10 रुपये खर्च कर रहा है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बदले में उसका, चलो 10 रुपये का अपनी वफादारी ना निभा पा रहे हो तो 5 रुपये की तो निभाएं, ठीक है। तो हमें अपने जितना हमें अपने मूल कर्तव्यों के प्रति सजगता दिखानी चाहिए उतनी ही हमें मूल कर्तव्य, आपके जो कर्तव्य हैं इनके प्रति भी आपको जागरूक रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अधिकतर लोगों को अपना अपने कर मूल अधिकार तो पता है लेकिन कर्तव्य वो भूल जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्या क्या कर्तव्य हैं और क्या क्या आपके मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार से तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ये विधानमंडल द्वारा पारित कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून पर राज स्थापित करना है, ना कि व्यक्तियों का। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया। ये विधि के मूल सिद्धांत हैं। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि व्यक्ति के चहुमुखी विकास भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक
विकास के लिए आवश्यक होते हैं। आपके मूल अधिकारों की बात करें तो सबसे पहले आपका समता का अधिकार, आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ठीक, ये है आपके 6 अधिकार। ठीक है, पहले आपका संपत्ति का भी मूल अधिकार मिला हुआ था, लेकिन इसे अब हटा दिया गया 48वें संविधान संशोधन 1978 में से हटा दिया गया था। ठीक है, मूल अधिकारियों से अब 6 बचे हुए। मूल अधिकारों की विशेषताओं की बात करते हैं। मूल अधिकार वाद्योग हैं, राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों के उचित का निर्धारण न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। ये सरकार के एकपक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध हैं, हालांकि उनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। ये स्थायी नहीं है। संसद संविधान संशोधन के माध्यम से इनमें कटौती या कमी कर सकती है। किन में मूल अधिकारियों अधिकारों में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित किए जा सकते हैं। बाकी आपके अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 में जो आपको अधिकार मिले हुए हैं उन्हें छोड़कर, इन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की गई है। बात करते हैं मूल अधिकारों का महत्व। ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करते हैं। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक हैं। देश में विधि के शासन की व्यवस्था करते हैं। सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते हैं। ये अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा भी करते हैं। बात करते हैं आलोचना के बिंदु। क्या है आलोचना के बिंदु? मूल अधिकार असंख्य अपवादों, प्रतिबंधों एवं व्यवस्थाओं के विषय हैं। इसमें मुख्यतः राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख है। सामाजिक आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था का अभाव है, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम पाने का अधिकार, विश्राम एवं सुविधा का अधिकार जैसे उपबंध सम्मिलित नहीं किए गए। इसकी व्याख्या अस्पष्ट है, अनिश्चित है एवं धुंधली है, जैसे लोक व्यवस्था, अल्पसंख्यक, उचित प्रतिबंध, सार्वजनिक हित आदि शब्दों की व्याख्या अस्पष्ट है। मूल अधिकारों में स्थायित्व का अभाव है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है। आलोचकों का मत है कि निवारक निरोध का उपबंध मूल अधिकारों की मुख्य भावना से इसे दूर करता है। यह राज्य को मनमानी शक्ति प्रदान करता है। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन में आम नागरिकों को महंगी न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 में अधिकारों और कर्तव्यों के विषय पर चर्चा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी मत था कि लोगों द्वारा कर्तव्यों का निर्वाह किए बिना सिर्फ अधिकारों की मांग करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। समझ में आए? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी मत था कि लोगों द्वारा कर्तव्यों का निर्वाह किए बिना सिर्फ अधिकारों की मांग करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसका मतलब हुआ कि अपने अधिकारों के प्रति आप जागरूक तो हैं, लेकिन मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं है। जैसे कि आपको पता है अभी सीएए का विरोध हो रहा है, तो विरोध होना अच्छी बात है, आपका अधिकार है। विरोध करना किसी चीज़ का आपका अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण करना चाहिए। बसें जलाना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये कहाँ का अधिकार है आपका? आपका इतना तो कर्तव्य बनता है ना कि देश की जो भी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति, उसकी रक्षा करें और सुरक्षा करें। ठीक, आगे हम लोग कर्तव्य देखेंगे, उसमें आपको पता चल जाए। मूल कर्तव्य नागरिकों को नैतिक उत्तरदायित्व का बोध भी कराते हैं। अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वर्ष 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। ठीक,
बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। जैसा कि आपको पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन में के तहत एक संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया था, इसीलिए इसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे जो निम्नलिखित हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 नए शब्द जोड़े गए थे। याद रखिए, आपकी कई बार, एक बार नहीं कई बार परीक्षाओं में आपकी पूछ लिया है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो आपको बता देना है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य किया गया था। इसके तहत संविधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक बनाया गया। शिक्षा, वन, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्यायिक प्रशासन तथा उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन के विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं मूल कर्तव्यों से आखिर तात्पर्य क्या है। मूल कर्तव्य राज्य और नागरिकों के मध्य एक सामाजिक अनुबंध है जो किसी देश के संविधान द्वारा वैधता प्राप्त करता है। अधिकारों के सापेक्ष यह भी महत्वपूर्ण है कि सभी नागरिक समाज और राज्य के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन के संदर्भ में ईमानदार रहे हैं। कौटिल रचित अर्थशास्त्र में भी राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। अब याद रखिए, कौटिल कब हुए? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तब भी लोगों को अपने राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। तब हम लोगों से समझदार थे लोग, याद रखिए। अभी एक कहानी पढ़ रहा था मैं, स्टोरी, कि कहाँ, जापान में शायद, ट्रेन में एक युवक सीट उसमें निकली हुई थी जिसे बोल लिया फटी हुई थी, तो उसमें बैठ के वो एक सुई धागे से सिल रहा था उस सीट को। तो किसी इंडियन ही ने पूछा उससे कि ये क्यों कर रहे हो, तो उसने बोला कि वो हमारे देश की संपत्ति है, तो हमारी तो सुरक्षा बनती है ना, हम उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन हमारे यहाँ क्या करते हैं, संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को ही खा जाएंगे। सबसे बड़ा पिछड़ा कारण हमारे भारत का यही है कि हम अपने अधिकारों से तो थोड़ा बहुत परिचित हैं लेकिन कर्तव्यों के मामले में जीरो हैं। ठीक है, अभी सुना था कुछ ही दिन पहले वंदे मातरम भारत के नाम से आपकी जो ट्रेन चली हुई थी, ट्रेन 18 दिल्ली से शायद बनारस चली थी, दिल्ली बनारस, तो उसमें सुना है कि इटावा यूपी में, यूपी के लोगों ने उसमें पत्थर मारे, उसे तोड़ दिया, यही सोच के कि वो मोदी की ट्रेन है, मोदी ने चलवाई तो मोदी की ट्रेन है। अरे मोदी के क्या बोलें, बेवकूफों को कौन समझाए। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि अपने बच्चों को विदेश पढ़ाइए, शिक्षा का मतलब इतना है कि सही और गलत अपने बच्चों को समझाइए कि वो सही और गलत का निर्णय कर सकें। वरना मैंने ऐसे ऐसे महाराजा आप लोगों ने भी पढ़े होंगे जिनके बाप दादा इज्जत कमाते कमाते, सम्मान कमाते कमाते मर गए और बेटों ने एक पल में मिट्टी में मिला दिया। ठीक है, अब हम लोग मूल कर्तव्यों की सूची भी देख लेते हैं। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हों।
ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान की विरुद्ध हों। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आदि की रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रहें और हिंसा से दूर रहें। क्या लिखा हुआ है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। लेकिन कितने लोग इसको अपना रहे हैं? ये आपके कर्तव्य में शामिल है, आपका ये कर्तव्य बनता है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। यह कर्तव्य आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 में। मूल कर्तव्यों की विशेषताएं देख लेते हैं। मूल कर्तव्यों के तहत नैतिक नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्य शामिल किए हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना एक नैतिक कर्तव्य है आपका, जबकि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करना एक नागरिक कर्तव्य है। ये मूल भारतीय परंपरा पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है। गौरतलब है कि कुछ मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के साथ साथ विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं, परंतु मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होते हैं। किन पर? भारतीय नागरिकों पर। विधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य गैर नियोजित या गैर परिवर्तनीय होते हैं, अर्थात उनके उल्लंघन के मामले में सरकार द्वारा कोई कानूनी प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता है। मूल कर्तव्यों का महत्व देख लेते हैं। ये असामाजिक गतिविधियों जैसे झंडा जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना या सार्वजनिक शांति को भंग करना आदि के विरुद्ध लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। वे सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मोक दर्शक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार है। अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय ये नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते हैं। नागरिकों को अपने देश, समाज और साथ ही नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में भी जानकारी रखनी चाहिए। बात कर लेते हैं मूल कर्तव्यों की आलोचना क्यों की जाती है। मौलिक कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों जैसे मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि को शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया। एक आम आदमी के लिए मौलिक कर्तव्यों में मौजूद जटिल शब्दों जैसे समग्र संस्कृति, उच्च आदर्श, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि को समझना कठिन है। इन कर्तव्यों को कानून द्वारा लागू किया जा सकता है, इसलिए आलोचक मानते हैं कि संविधान में इसके होने का कोई विशेष महत्व नहीं है। संविधान के भाग 4 में शामिल करना मूल कर्तव्यों के मूल व महत्व को कम करती है। मूल कर्तव्यों को भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए थी, ताकि वे मूल अधिकारों के समकक्ष रहते। बात करते हैं मूल अधिकारों और कर्तव्यों के कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। क्या हैं? पूरक हैं। जहाँ एक और नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क परिवहन जैसी सुविधाओं के उपयोग का अधिकार प्राप्त है, तो वहीं दूसरी ओर उनके बेहतर रखरखाव का भी कर्तव्य आरोपित किया गया है। याद रखिए, जहाँ एक आपको एक तरफ शिक्षा का अधिकार है, आपके स्वास्थ्य का अधिकार है, सड़क परिवहन जैसी सुविधाओं का उपयोग का अधिकार है आपको, ठीक है, वहीं इसके रखरखाव का कर्तव्य भी आप ही लोगों का है।
यदि संविधान में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार प्राप्त हो तो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान न पहुंचाने का कर्तव्य भी उल्लेखित है। संविधान में गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है तो इसे मूर्त रूप देने के लिए पर्यावरण के संरक्षण का दायित्व भी है। जहाँ एक ओर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना मौलिक अधिकार है तो वहीं दूसरी ओर अभिभावकों का मौलिक कर्तव्य भी है कि वे अपने पाल्यों को प्राथमिक शिक्षा दिलवाएं। यदि संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है यानी कि बोलने का अधिकार है आपको, तो भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करने का भी दायित्व आप पर भी है। जहाँ एक ओर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है तो वहीं दूसरे ओर सर्वधर्म संभाव और संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के परिरक्षण का भी दायित्व है। जहाँ एक ओर हमें सूचना पाने का अधिकार प्राप्त है तो वहीं दूसरी ओर असामाजिक व देश विरोधी तथ्यों के बारे में जांच एजेंसियों को सूचना उपलब्ध कराने का भी कर्तव्य है। इसका मैन जो निष्कर्ष निकलता है उसे भी देख लेते हैं। अधिकारों से अभिप्राय है कि मनुष्य को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए, जबकि कर्तव्यों से तात्पर्य है कि व्यक्ति पर समाज के कुछ ऋण हैं। समाज का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति का विकास ना होकर सभी मनुष्यों के प्रति व्यक्ति का समुचित विकास है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार के साथ कुछ कर्तव्य जुड़े हैं जिन्हें पूर्ण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना उत्तरदायी समझना चाहिए। मौलिक अधिकार जहाँ हमें देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से रहने बसने की स्वतंत्रता देते हैं तो वही मौलिक कर्तव्य हमें देश के प्रति हमारे दायित्व को निभाने का आदेश देते हैं। यहाँ आपने एक पॉइंट देखा होगा। देखिए, मनुष्य को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए, जबकि कर्तव्यों से तात्पर्य है कि व्यक्ति पर समाज के कुछ ऋण हैं। यहाँ आप लोग एक पॉइंट को रख सकते हैं या आप लोगों ने अपने आप पर लागू कर सकते हैं कि अगर कोई भी हो एक्स वाई जेड, मैं किसी को एक के बारे में नहीं बोल रहा, कोई भी हो अगर वो आप पर भरोसा करता है या आपको मानता है, आपको इज्जत सम्मान देता है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि अगर वो 100% दे रहा है तो आपका 10% आपको उसका वापसी भी करना चाहिए। आपका मूल जो आपका कर्तव्य है उसे निभाना चाहिए। ठीक है, कोई आप पर आँख बंद करके भरोसा कर रहा है तो आपको भी उसके भरोसे को बनाए रखना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। क्योंकि कितने दिन जियोगे, ऐसा तो है नहीं है पृथ्वी हमारे बाप की है या तुम्हारे बाप की स्थाई हो गई है। ठीक है, एक दिन जाना मुझे है, बस किस रास्ते पर चलकर हम जाते हो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि तुम यहाँ स्थाई रह जाओगे या मैं स्थाई रह जाऊँगा। जाना उस हद तक हर किसी को है। ठीक है, बस किस रास्ते को अपना कर तुम चलते हो वही मैटर करता है। ठीक है, वरना तुमसे अच्छे और हमसे अच्छे राजा महाराजा हुए, डूब गए, कोई नाम भी नहीं जानता है। चलिए, तो ये था आपका अधिकारों और मूल कर्तव्यों से संबंधित आर्टिकल। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। और ये नहीं, हर तरह से आप समाज सेवक नहीं बन जाइए, मेरा मतलब इतना है कि अपने कर्तव्यों के प्रति और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक तो रहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया उसी में उठा के चल दिए उसी रास्ते पर। समझदार बनिए थोड़ा बहुत।